नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर दे, और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, तो प्लीज लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिंदगी में मनुष्य के आंखें बंद करने से मुसीबत टला नहीं करती, बल्कि उस मुसीबत का सामना करने से मनुष्य की आंखें खुला करती है। और अपनी कमजोरियों का जिक्र कभी ना करना जमाने में लोग कटी पतंगों को जमकर लूटा करते हैं। जीवन में सबसे बड़ा मोल समय का होता है, और सबसे ज्यादा लोग इसे ही व्यर्थ गंवाते हैं। और गलत तरीके अपनाकर सफल होने से कहीं बेहतर है सही तरीके के साथ काम करके असफल होना। और खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही एक रास्ता होता है। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, और अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत नहीं होते। और अपने दुश्मनों को हजार मौके दो कि वह तुम्हारा दोस्त बन जाए, मगर अपने दोस्त को एक भी ऐसा मौका मत दो वह तुम्हारा दुश्मन बन जाए। और अगर कोई मनुष्य आपको कोई जरूरत पड़ने पर ही याद करता है, तो उस बात का बुरा मत मानो, क्योंकि जब अंधेरा हो जाता है तभी दिए की याद आती है। और न हथियार से मिलती है, न अधिकार से मिलती है, दिलों में जगह हमारे व्यवहार से मिलती है। रिश्ते कम बनाइए, लेकिन उन्हें दिल से निभाइए, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। और हर रिश्ते में नूर बरसेगा, बशर्त इसलिए है कि रिश्तों में शरारती करो, साजिशें नहीं। और किसी में किसी कमी दिखाई दे तो उससे बात करे, लेकिन हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद से बात करे। अकेले होना और अकेले रोना इंसान को अंदर से बहुत मजबूत बना देता है। दोस्तों एक कड़वा सच है कि कदर करने वालों को हमेशा बेकदर लोग ही मिलते हैं। और खुश रहा करिए, क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किलें दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। परिंदों ने सिखाया है जीने का हुनर इस तरह कि तूफान तोड़ सकते हैं आसियाना, मगर हौसला नहीं। निकले हैं वो लोग मेरे शख्सियत बिगाड़ने, किरदार जिनके खुद के मरम्मत मांगते हैं। बुराई छोटी हो या बड़ी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा अंततः नाव को डुबा ही देता है। और अपनी तुलना दूसरों से ना करें, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में, ना किसी के नजरों में। और दोस्तों कहते हैं कि एक सिरे में भी नहीं आता जख्म जो अपनों द्वारा दिए जाते हैं। और भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देता है। और अंत में बस इतना कहता चाहता हूँ कि पांव फिसलने से खुद के बाहर चोट लगती है, और जीभ फिसलने से दूसरे के अंदर चोट लगती है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे वीडियो में कमेंट करें। जय महाकाल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।